हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए दोस्तों। तो दोस्तों, सरकार को नहीं है छात्रों की चिंता, चाहे उन्हें कोरोना हो जाए। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं, कॉलेज के विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, इस नोटिस को पूरा देखिए और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आप तक टाइम टाइम मिल सके। तो दोस्तों, ऑफिशियल खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को लेकर सरकार नहीं ले पाई है फैसला, भविष्य की चिंता आप देख सकते हैं। वही छात्र संगठन बोले, सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए जल्द फैसला लिया जाए। तो दोस्तों, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है सरकार का। तो दोस्तों, इनके भविष्य की चिंता दोस्तों सभी को हो रही है, भाई हमारी परीक्षा होंगी या फिर नहीं होंगी। दोस्तों सभी के मन में डाउट है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आगे क्या न्यूज है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और संबंधित कॉलेज के अंतिम सेमेस्टर और प्राइवेट व दूरवर्ती के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर प्रदेश सरकार 17 दिन बाद भी फैसला नहीं ले पाई है। आप लोगों को पता है भाई, यूजीसी का जो नोटिस आया था दोस्तों, उसको 17 दिन हो चुके हैं। अब बात करते हैं भाई उससे आगे, सरकार की ओर से सभी सेमेस्टर और वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने के आदेश दिए गए थे, आप लोगों को पता है भाई। फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर, केयू प्रशासन की ओर से प्रमोट करने का फार्मूला भी दोस्तों तैयार हो चुका था, लेकिन इसी बीच 6 जुलाई को यूजीसी और एमएचआरडी की तरफ से दोस्तों एक नोटिस आया था कि सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इस नई गाइडलाइन पर अब प्रदेश सरकार का फैसला लेना दोस्तों अभी बाकी है, भाई क्या फैसला लेती है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक उनका कोई फैसला नहीं आया है, इसमें आपके पास और बात बताते हैं भाई, और क्या बता रखा है। यूजीसी की परीक्षा करवाने के आदेश के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठन रोष जता रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं भाई, एनएसयूआई के जो भी कैंडिडेट हैं, कोई भाई यज्ञ करवा रहा है, कोई एसडीएम के बाहर दोस्तों धरना दे रहा है। अब बात करते हैं वही, 15 दिन बीतने के बावजूद अब तक यूजीसी के निर्देशों पर प्रदेश सरकार की ओर से फैसला नहीं लिया गया है। इसके चलते विद्यार्थियों की दोस्तों उलझन बढ़ती जा रही है। आप लोगों को पता है भाई, विद्यार्थी के जो तनाव है तो दोस्तों वो दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है भाई। हमारी कोई कह रहा है भाई हमारी परीक्षाएं होंगी, मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आते हैं दोस्तों कि सर हमारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों, जब तक इनकी, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, यूजीसी से बड़ा कोई नहीं होता दोस्तों, जब यूजीसी और हाईकोर्ट के दोस्तों आ जाएगी नोटिस दोस्तों, ऑफिशियल आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को पता लग जाएगा। हम आपके सामने नई नई न्यूज आपके सामने डेली लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने देखिए, स्नातकोत्तर के आवेदन भरने की तिथि 7 अगस्त। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है भाई, कि भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की तिथि 7 अगस्त रखी गई है। अभी तक भर उनका फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, तो 7 अगस्त दोस्तों आप माने चलो उसके डेट को और बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या लिख रखा दोस्तों, अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले लेने हैं। तो दोस्तों, अभी तक दोस्तों उनके रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों, इसके बारे में इसमें लिख रखा है कि भाई 7 तारीख उनकी लास्ट डेट है 7 अगस्त, तो अभी तक उनका रिजल्ट दोस्तों आया नहीं, तो 7 को दोस्तों आप मान के लेके चलो भाई, 7 की डेट को बढ़ाएंगे आवेदन की तिथि को। आप बताते हैं भाई, 2 इसमें गाइडलाइन दी गई हैं, जल्द विद्यार्थी हित में फैसला ले सरकार और सरकारी गाइडलाइन का इंतजार। तो दोस्तों, छात्र संगठन के प्रधान विकास, तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, इसमें प्रदेश सरकार की ओर से जल्द छात्रों के हित में फैसले लेने की मांग की गई, जिसमें आप नाम देख सकते हैं भाई, एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं राजीव जी हैं, और जो एनएसयूआई के छात्र हैं दोस्तों, उन्होंने ये बातें कही हैं कि भाई जल्द विद्यार्थी हित में फैसला ले सरकार और सरकारी गाइडलाइन का इंतजार। केयू के लोक संपर्क विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने
बताया कि यूजी की जो परीक्षा की गाइडलाइन दोस्तों उसका ओनली अभी सरकार का गाइडलाइन का इंतजार है, उनको भाई सरकार क्या कहती है उसके हिसाब से फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए थे दोस्तों, अभी तक दोस्तों सरकारी उलझन में पड़ रही है भाई क्या किया जाए। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों तक इस नोटिस को शेयर कीजिए, और जो चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर अपडेट मिल सके।